हाँ भाई, ईद की तैयारी हो गई? जी सर। क्या बात है, सब कुछ खरीद लिया है, कुछ रह गया है? नहीं सर, सब तैयारी हो गई। बेटा, हमारे घर में भी ईद मनाई जाती है और हमारे घर में भी ईद की तैयारी होती है। और वो सब तैयारी कैसे होती है? पैसों से। तुम्हें याद है बेटा, मैंने 3 महीने पहले तुमसे क्या कहा था? हाँ भाई, 20 दिनों का इरादा है। सर दे दूंगा। बेटा 3 महीने होगा फीस नहीं दी, याद से दे देना। एक और महीना लेट हुई ना बेटा, ट्यूशन से निकाल दूंगा तुम्हें। जी सर। बेटा 6 महीने हो गए फीस नहीं दी। ये ले सर, वो भूल गया था। क्या बात है, 6 महीने की फीस एक साथ? सॉरी सर। बेटा थोड़ा ख्याल किया करो, है मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे भी तैयारी करनी होती है ईद की। जाओ बेटा, इसी खुशी में तुम्हारी ईद की छुट्टियाँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर पे ईद की तैयारी कैसे होती है। 10 दफा कह चुके हो पंखा साफ कर दो, वीडियो बनाने में लगे हुए। आप लोग वीडियो एंजॉय करें, मैं आता हूँ। अबे यार अम्मी, ये कौन सा तरीका है यार? देखें मैं वीडियो में, आपने खींच के मार दी चप्पल, ये कौन सा तरीका? घोंसला जरा कटवा लो वरना दिखा ना आइंदा के बाद मुझे, मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी। जाओ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई अशरफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र भाई। हाँ यार, वो जरा ईद आ रही है ना, तो घर में एक दो काम है वो जरा करवाने। चलो चलो कोई बात नहीं यार, शाम में तुम चक्कर लगाओ, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे अशरफ, तुम्हारे बेटे का रिश्ता आया था, उसका क्या हुआ? अरे ख़त्म हो गया रिश्ता। क्यों भाई, सब खैर है ना? ऐसा क्या हो गया? अरे क्या बताऊँ शकूर भाई, असल में हुआ ये कि भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, हमें भी आपकी लड़की बहुत पसंद आई है और माशाल्लाह से बहुत प्यारी है हमारी गुड़िया। बस एक डिमांड थी हमारी, हमें सिर्फ एक बड़ा सिलेंडर चाहिए और जब भी उसमें गैस ख़त्म हो तो गैस फुल भरवानी पड़ेगी आपको। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमें ऐसा करना ही नहीं है। अरे अशरफ, तुम भी हद करते हो कसम से। मतलब एक तो जहेज लेना वैसे ही लाना थे और ऊपर से तुम मांग भी क्या रहे हो, सिलेंडर। वाह भाई। अरे क्या बताऊँ शकूर भाई, महंगाई भी तो इतनी हो गई है ना, क्या करें। अच्छा खैर, ये जो है ना आपका काम हो गया, अब देखना ईद पर जो है ना पानी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त हो गया है। असल में वो ईद पर मेहमान आते हैं ना, पानी का बहुत खर्चा होता है, तो मैंने सोचा तुमसे करवा लूँ। और कोई काम? हाँ हाँ यार, मेन काम तो रह ही गया है। क्या शकूर भाई, देखो कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ इतनी सी करना है, ईद पर जो है ना ये नेट की डिवाइस है, इसकी ये केबल नजर आ रही है, उसको रनिंग होकर के निकाल लेना। ये इससे क्या होगा, नेट के सिग्नल आ रहे होंगे लेकिन नेट नहीं चलेगा। वाह भाई, कमाल हो गया है, अब नेट चल भी रहा होगा नहीं भी। हाँ भाई, कोई भी पूछो तो बोल दे नहीं, नेट ही चल रहे हैं। ये सही है। तो बस ये है, इसको यूं करके वापस लगा देना। बताओ कौन सी ईद को कौन से कपड़े पहनने हैं? भाई जो आपकी मर्जी, आप निकाल दें, मैं पहन लूँगा। ये क्या बात हुई, तुम्हारे कपड़े हैं, तुम बताओ। तो फिर ये पहली ईद को पहन लूँगा, ये दूसरी ईद को पहन लूँगा और ये तीसरी ईद को पहन लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, पहली ईद को ये पहनेंगे आप, दूसरी ईद को ये पहनेंगे और तीसरी ईद को नानी के दावत है तो ये अच्छी वाली पहननी है। भाई तो जब खुद ही डिसाइड करना होता है तो मुझसे क्यों बोलती हैं आप? और कल यकम शवाल है और कल पाकिस्तान में ईद उल फितर जो है वो मनाया जाएगा। क्या चांद दिख गया? अरे तो इसमें खुश होने वाली बात है, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना लिया तुमने? उफ अल्लाह, दुपट्टे भी पीको तो करवाने ही भूल गई। क्या अभी भी कुछ रह गया? एक तो तुम औरतों के ना मेरे समझ से बाहर है, पूरा महीना रमजान में तुमने शॉपिंग की, अभी भी कुछ रह गया। मैंने सोचा था आराम से करवा लूंगी। एक तो कभी कभी ना मुझे शक होता है, तुम औरतें ना ये जानबूझ के हरकतें करती हो। सुबह ईद है, अब तो मैं एंड टाइम पे याद आ रहा है, अभी भी कुछ रह गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, हद हो गई। आई होप आप लोग भी मेरी फैमिली से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए होंगे। तो लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट्स बिलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।